श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम नमो नारायण। आज मैं जीव मात्र पर बात करने जा रहा हूं। हम लोग मनुष्य तत्व है और ईश्वर तत्व भगवान की प्राप्ति कैसे होता है, इस पर मैं बात करने जा रहा हूं। कलयुग में कहा गया है कि सत्संग के माध्यम से हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं और इस कलयुग में रह करके भी हम जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। साधु संत के तुम रखवारे अश्वर निकंदन राम। साधु संतों के बीच में रह करके, साधु संतों की सेवा करके और साधु संतों के चले हुए मार्ग से हमें जो ज्ञान मार्ग प्राप्त होती है, वही ज्ञान मार्ग से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आज कलयुग में अधर्म बढ़ते जा रहा है और कलयुग ने अधर्म के साथ नाता जोड़ दिया है, इसीलिए अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना की है और अधर्म के साथ देना बहुत बड़ा अपराध है। हम धर्म की स्थापना अपने हृदय में करें। अपने हृदय में धर्म आत्मा को स्थापना करने से हमें धर्म आत्मा कहा जाएगा और यही धर्म आत्मा परमात्मा के पास है। तो जीव मात्र को ये समझना चाहिए कि हमें इस जीवन में, इस धरती पर हम आए हैं क्यों, प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों आए हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर रहेगा कि जीव मात्र अपने मृत्यु सुधारने के लिए इस धरती पर आए हैं, इसीलिए बेहोश में मत जियो, होश में। अधर्म बेहोश है और धर्म वो भगवान का दिया हुआ मार्ग उसमें चलो। इससे छोड़ करके कहां जाएंगे आप, इसे छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे आप। धर्म के साथ जुड़े रहिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी आए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और कलयुग में भी भगवान आएंगे। भगवान तो प्रतिदिन आते हैं, आप भजन करो भगवान वहां रहेंगे। अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी तो अच्छा शब्द किए ना, बड़े भाग्य मनुष्य तन पाव, आप तो बड़े भाग्य हैं जो मनुष्य के शरीर धारण किए हुए हैं। और हनुमान जी की क्या कह रहे हैं कि चारों युग परताप तुम्हारा है, परसिद्ध जगत पूजियारा। तो इसीलिए कहा गया है कि चारों युग परताप तुम्हारा, भगवान तो चारों युग में है। तो धर्म के साथ चलो, धर्म की स्थापना रहे तो आप सुरक्षित रहे। अब आप देख लो राजा परीक्षित का, राजा परीक्षित को क्या हुआ था, जब क्या हुआ था उसको, सब कुछ था उसके साथ, धन था, संपत्ति था, श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर डाल दिया था। तो श्रृंगी ऋषि उसको शाप दे दिया कि 7 दिन के अंतर्गत में तेरा मृत्यु हो जाएगा। तो राजा परीक्षित क्या किए, राजा परीक्षित तुरंत अपने मृत्यु को सुधारने के लिए एक अच्छा गुरु के, अच्छा गुरु को दर्शन करने के लिए, अच्छा गुरु प्राप्त करने के जीवन में वो चल निकले। तो उनके जीवन में सुखदेव जी आए और 7 दिन में कहा कि तुम मुक्ति हो गए, इसीलिए उसने धर्म को अपनाया। तो मेरा संदेश यही है कि आप लोग धर्म को अपनाइए और धर्म के साथ रहिए। ओम नमो नारायण।